तुम सबको भी मैया के स्वर सुनाई दे रहे हैं क्या? ना तो? अरे ध्यान से सुनो ना। जाने कहाँ होगो कान्हा, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए हमें उन तक पहुँचना होगो। यदि उन्होंने इस आकाश तुर्की मृत देह को देख लिया तो वैरते भयभीत हो जाएंगी। चलो चलो। मैया, अरे क्या हो गो, ऐसे सब हाँप रहे हो और दौड़ के क्यों आ रहे हो? तुम सब किसी समस्या में तो ना पड़ गए? समस्या नहीं काकी, बहुत बड़ा संकट आ गया था। बोलने दे उसे। कैसा संकट रे? वो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम दाऊ को क्या उपहार दे। आज उनका जन्मदिन है ना, तो फिर से कछु छुपा रहे है ना कान्हा? सत्य बता। अरे ना मैया, सखाओ हमें दाऊ को देने के लिए जो इकट्ठा करो है सब दिखा दो मैया को। ये देखो काकी, जे मैंने चुना है। काकी जे मेरा उपहार है, कैसा है? पर आप यहाँ क्यों आई हो मैया? अरे तुझे और तेरी टोली को भोजन खिलाने के लिए। ये! ले। आहा हा, इतनी बड़ी विजय का उत्सव तो ऐसे पकवान खा के मनाना चाहिए। कैसा उत्सव कान्हा? तूने फिर से कछु करो है क्या? मैया कही ना मैंने, दाऊ का जन्मदिन है आज। अब आप जाओ, हम सब बालक अपनी तरफ से बनाएंगे उत्सव। हाँ हाँ जाती हूँ। क्या कही तूने कान्हा? एक बात तो बता, बलराम के बिना तुम सब उसका जन्म उत्सव कैसे मनाओगे? शीघ्रता से सब आश्रम आओ, चलो फिर महर्षि गर्ग के साथ मिलकर तेरे दाऊ का जन्म उत्सव मनाएंगे। वो आज तेरे दाऊ के लिए विशेष पूजा भी करने वाले हैं। अब सब शीघ्रता से आओ, समझ आई? मेरा जन्मदिन मने ना मने किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता, सब वन में आनंद ले रहे होंगे। बलराम, दुखी मत हो पुत्र, तुम्हारे सखा आएंगे ना तो मैं उन्हें स्मरण करा दूंगी, ठीक है? नहीं माँ, छोटा भाई होने के नाते काना को स्वयं स्मरण रखना चाहिए था। नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। देव ऋषि, बहुत प्रसन्न लग रहे हैं, ऐसा क्या करके आ रहे हैं आप? करता तो वही है ब्रह्मदेव, हम तो बस उनकी लीला के साक्षी बन सकते हैं। आज निकट से उनकी एक और अद्भुत लीला के दर्शन के आनंद आ गए, एक साथ दोनों के दर्शन हो गए।
दोनों के दर्शन, प्रभु श्री नारायण के और उनके पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण अघासुर की मृत देह को चीर कर खड़े थे और प्रभु श्री नारायण विस्तृत आकाश में अपने अंतहीन स्वरूप में व्याप्त थे। अद्भुत, मैं भी उनकी लीला का निकट से अनुभव करना चाहता हूँ। कहाँ होंगे वो इस समय? वहीं वृंदावन के वन क्षेत्र में अपने सखाओं के साथ रमे हुए होंगे प्रभु श्री रमन गोपाल। पर सत्य तो ये है ब्रह्मदेव कि वो खेल भी प्रभु की लीला ही तो है। ये क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण? उपहार तैयार होगा सबके बलराम के लिए। मेरा भी होगा। कान्हा अब तो खा ले, काकी के दिए पकवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मेरे पेट के मूषक महाराज भी। अवश्य, पर पहले उपहार समेट के रख दो। हंसते रहोगे कि मुझे भी तो अवसर मिलना चाहिए ना। ये कैसे संभव है? बस 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 बहुत होगो किल। चलो भोजन करे, कई सुबह के पेट का मूषक बाहर आ गया तो। क्या ये सच में प्रभु ही है? नहीं नहीं, ये असंभव है। ये प्रभु नहीं हो सकते। जो मिट्टी में खेलता हो, अपने सखाओं का झूठा खाता हो, साधारण बालक भी खेल खेल में जिस पर अपने हाथों और पांवों से प्रहार करते हो, जो स्वयं मिट्टी में लोटपोट होकर आनंद लेता हो, वो विष्णु अवतार कैसे हो सकता है? चरित्र के इसी रूप के लिए तो प्रभु ने अवतार लिया है ब्रह्मदेव। लगता है पृथ्वी पर पग धरते ही आप भी माया में पड़ गए ब्रह्मदेव। मैं ब्रह्मा हूँ देवऋषि, माया मुझे नहीं बांध सकती। पर सत्य आंखों के सामने है, फिर भी आप। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ब्रह्मदेव कि आपने सच में प्रभु को नहीं पहचाना। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है देवऋषि कि आप तो प्रभु के परम भक्त होकर भी प्रभु को पहचान नहीं पाए। भक्ति में ऐसे रम गए कि एक साधारण बालक में भी प्रभु को देखने लगे। तनिक विचार कीजिए देवऋषि, ये बालक प्रभु श्री नारायण का अवतार कैसे हो सकता है? आप वही भूल कर रहे हैं जगत पिता जो महर्षि दुर्वासा ने की थी। उन्हें भी ऐसा ही भ्रम हुआ था। देवऋषि, ना मुझे भ्रम हुआ है ना भूल। फिर भी यदि आपको इस बालक पर विश्वास है तो क्यों ना इसकी परीक्षा ले ली जाए। यदि ये बालक
सत्य में परम प्रभु श्री नारायण का अवतार है, तू अपने प्रिय बछड़ों को लुप्त होने से तो बचा ही लेगा, है ना देवऋषि?